रीवा में आज मजदूरी करने आए युवक को दुआरी बाईपास के पास लुटेरों ने उतारा मौत के घाट। जी हां, चोरहटा थाना क्षेत्र के दुआरी बाईपास के पास बीती रात गढ़ से सतना जाने के लिए निकले दो युवक में अरबास मोहम्मद सीता नूर मोहम्मद नामक युवक को आरोपियों ने मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला क्या है, आइए दिखाते हैं रोहित पाटिल की इस खास रिपोर्ट में। क्या नाम है तुम्हारा? आपको दिक्कत नहीं? क्या घटना हुई थी आपका? जी हम वहाँ से सतना के लिए ऑटो में बैठे थे। हम ऑटो में दो लड़के और बैठे थे, एक ऑटो वाला था, एक पीछे से एक युवक आया, एक युवक आ गया, उसने एक टीवा रोक लिया और ऑटो भी रुकवा लिया। तो फिर वो कहने लगा कि तुम ट्रेन से चले जाना, 5 मिनट है ट्रेन में। तो फिर हम अड्डों को बातचीत करने लगा, अलग अलग तीनों शहरों में बातचीत करने लगे। फिर हम अरबाज भाई और मैं उतर गए नीचे। अरबाज भाई को शक होने लग गया कि कभी कुछ हमारे साथ हो जाए, हम वहीं पे उतर गए। फिर मैं बैठ के आगे जा लिया पुल पे। फिर हम जो है ना वहाँ पे अपना पुल पे ले गए, सारा सामान चला गए। फिर मैं और ऑटो घुमा के लाए, फिर मैं हमारे पास आए। फिर कहने लगे कि 1200 रुपये दे दो तो हम तुम्हें सतना छोड़ देंगे। हमने उनसे मना कर दिया, मैं कहा हम नहीं जा रहे 1200 रुपये में। फिर वो एक लड़का था उनके साथ, वो झपटे झुपटे करने लगा उनसे, अरबाज भाई से। फिर अरबाज भाई को उन्होंने चाकू मार दिया। फिर अरबाज भाई ने मेरे से कहा कि नौवान भाग, क्योंकि मेरे चाकू लग गया। फिर मैं ऑटो के पीछे को निकल गया, फिर अरबाज भाई के पास गया, जिससे हम नीचे उतरे। अरबाज भाई एकदम वहीं पे गिर गए। फिर मैं भी नीचे से लगा। फिर मैं आवाज़ जी ये 7 बजे से हम सतना जा रहे थे, तो नाम तो पता नहीं मुझे, ये नहीं पता मुझे, बस सतना जा रहे चले थे। कहाँ के लिए चले? सर ये मालूम नहीं है मुझे, ये मैं सर को बता देता हूँ। उन्हें सर को उनकी बात करवा दी, जो हमारे पेट्रोल पंप पे मालिक थे उनकी बात करवा दी थी। ये आया घर से सतना जा रहा था। ये अरबाज खान और नौमान खान नाम के दो नौजवान जो हैं, ये मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं और ये गढ़ में कोई माता पेट्रोल पंप था, वहाँ पे ये लोग काम करते थे। वहाँ का काम ख़त्म होने के बाद ये लोग पेट्रोल पंप के शेड बनाने का काम करते हैं। इसके बाद ये सतना में इनका कोई काम कहीं मिला हुआ था, सतना जाना चाहते थे। ये गढ़ से कोई छोटी गाड़ी जो मैजिक आती है, मैजिक में बैठ करके रीवा आए थे। रीवा में इटौरा बाईपास के पास ये मैजिक से उतर गए थे, क्योंकि मैजिक गाड़ी को रीवा जाना था। और वहाँ उतरने के बाद ये लोग कुछ देर पैदल चल रहे थे, दूसरे वाहन की तलाश में थे। उसी समय ऐसा बताया जाता है कि एक स्कूटी इनके पास आके रुकी, उसमें दो लड़के थे। उन्होंने पूछा भाई आपको लोग कहाँ जाना है, तो उन्होंने बताया कि हमको सतना जाना है। उन स्कूटी वालों ने फ़ोन करके एक ऑटो रिक्शा बुलवाया और ऑटो रिक्शे में क्या कुछ किराया भाड़ा तय हुआ और उसमें बैठ के ये बाईपास से सतना जा रहे थे। ये रास्ते में जो आपका बाईपास में दीपाल स्कूल के सामने पुल के ऊपर, वही स्कूटी वाले दोनों लड़के फिर से आ गए, पीछे से आ गए। उन्होंने ऑटो रिक्शा रुकवाया। इस पर से इन दोनों युवकों को कुछ शंका हुई लड़कों के ऊपर, और शंका कारण दोनों लड़के नीचे उतर गए, बोले हम आपके ऑटो में नहीं जाएंगे। तो नौमान के अनुसार, जैसा नौमान ने बताया है, इसी बात पर से जो है ऑटो वालों का इनका विवाद हो गया और उसी ऑटो वाले में से किसी व्यक्ति ने उनको चाकू मार दी, जो घायल होकर के वहीं पुल के ऊपर से नीचे भाग के आया, नीचे आके गिर पड़ा और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसको डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किया गया है। इस संबंध में थाना चौराहा में हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आगे भी उसने की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक तो पहचान नहीं हो पाई है और अभी कहानी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी ही इसका खुलासा किया जाए।